हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटे से मालपुआ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बड़े बॉल में 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे और बैटर बनाकर तैयार करेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने बैटर तैयार कर लिया है। देखिए, इसी तरह का बैटर होना चाहिए। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। आप देख सकते हैं, इतना बैटर तैयार करने में हमने इसमें 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ से मालपुआ में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची का पाउडर बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 पिंच रेड फूड कलर डालेंगे और 1 चम्मच घी। अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मालपुए का बैटर बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। देखिए, पूरे 20 मिनट हो गए हैं। बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम मालपुआ बनाएंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर दिया है। तेल के जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम गैस की आंच को धीमी रखेंगे और कलछी में बैटर को उठाएंगे और तेल में इस तरह से डालेंगे। अब इसे हम इसी तरह से फ्राई होने देंगे। तुरंत इसे हाथ नहीं लगाना है। मालपुआ को धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। अगर आप तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब इस तरह से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। मालपुआ को उलट पलट कर दोनों साइड से हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हम दबाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो सारा तेल निकल जाए। इसी तरह से हम सारे मालपुआ को बनाकर तैयार करेंगे। मालपुआ बनकर तैयार है। अब हम इसकी गार्निश काजू और बादाम से करेंगे। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म मालपुआ बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।